वहीं कर्नाटक में वोटों की गिनती लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव के बाद वोटों की गिनती जारी है। 224 विधानसभा सीटों के लिए हो रही है काउंटिंग। कर्नाटक में 36 सेंटर पर वोटों की गिनती लगातार जारी है। कर्नाटक में काउंटिंग को लेकर तैयारियां पुख्ता है। काउंटिंग सेंटर पर सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। आईडी कार्ड देखकर दी जा रखी है काउंटिंग सेंटर में एंट्री। तो 224 विधानसभा सीटों पर आज फैसला हो जाएगा कि कौन होगा कर्नाटक का सीएम, कौन बनेगा और किसकी जीत होगी, कौन सी पार्टी जीतेगी। हालांकि आपको बता दें कि कर्नाटक में 10 तारीख को मतदान हुआ था और आज यानी कि 13 तारीख को मतगणना लगातार जारी है। मतगणना के बाद यह तय होगा कि आखिर राज्य में किसका डंका बजेगा। कर्नाटक में सभी 224 सीटों पर आए रुझान। शुरुआती रुझानों में कांग्रेस पार्टी को मिली बहुमत। बहुमत में कांग्रेस को मिली 100 से ज्यादा सीटें। बीजेपी को बहुमत में 80 से ज्यादा सीटें। जेडीएस को बहुमत में मिली 15 से ज्यादा सीटें। तो फिलहाल ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए अगर रुझानों की अगर हम बात कर लें तो फिलहाल रुझान में, शुरुआती रुझान में कांग्रेस पार्टी को बहुमत जो है वो मिलती नजर आई। बहुमत में कांग्रेस को 100 से ज्यादा सीटें अब तक मिली है। कुल मिलाकर 113 सीट किसी भी पार्टी, चाहे वो बीजेपी हो, कांग्रेस हो या जनता दल सर्कुलर हो, उन्हें चाहिए 113 सीट। और 113 सीट जो भी पार्टी जीतती है उनकी जीत होगी। फिलहाल अगर हम शुरुआती रुझान की बात करें तो कांग्रेस आगे चल रही है और कांग्रेस पार्टी को बहुमत में 100 से ज्यादा सीटें मिली हैं। बीजेपी को बहुमत में 80 से ज्यादा सीटें मिली है। जेडीएस की बात करें तो जेडीएस को 15 से ज्यादा सीटें मिली है।